तो इसमें तेल वगैरह भी डालते हो क्या? ना 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 बिल्कुल भी डाल नहीं। शुद्ध घी। लीटर दूध है। 3 लीटर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चिड़ावा के जो प्रसिद्ध साग रोटा है उनकी पूरी रेसिपी हम जानेंगे अभी इन पर। और ये संडे को और बुधवार को 2 दिन स्पेशल और ये साग रोटा बनाते हैं। क्या कुछ रेसिपी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, साथ में इनसे जानेंगे कि साग रोटा किस तरीके से बनता है। अदरक हरी मिर्च, ये क्या डाला इसमें अभी? लाल मिर्ची। लाल मिर्च है। कच्ची हल्दी, कितने डब्बे डालते हैं इसके अंदर? 4 डब्बा। 4 डब्बा। तो इसमें तेल वगैरह भी डालते हो क्या? ना 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 बिल्कुल भी डाल नहीं। शुद्ध घी। क्या आ गया अपना? टमाटर। टमाटर का और ये मिर्ची में ग्राइंड किया हुआ ना। कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट। ले ये फ्लेवर के लिए है क्या? अच्छा खुशबू आती है उसके लिए। टेस्ट में भी कोई फर्क पड़ता है क्या? तो? ये गरम मसाला। फिर ये गरम मसाला खुद का पीसे है आप लोग? अच्छा, तो एक अंदर केक कुछ डालो थे? जावत्री है, जायफल है, दालचीनी है, लौंग है, जीरो है, ये मिक्स करके उसके बाद में ये गरम मसाला घर में बनाते हैं। तो घर वाले में क्या फायदा होता है, बाहर वाले में क्या कुछ? बाहर वाले मट्टी हवा भी में जीरो जीरो हवा तेज पत्ता है। अच्छा, अरे घर तैयार करे बढ़िया लागे। जो घर करे तो टेस्ट है इससे बढ़िया हुआ ना? बढ़िया। ये नागौरी मेथी, ये MDH के नागौरी मेथी, ये भी स्वाद के लिए। ये हरा धनिया आ गया। तो बाकी ये सब्जी उसमें पड़ेगा रोटना में? रोटना में काला नमक। और क्या क्या डलता है इसमें? देसी घी। देसी घी से स्टार्ट करते हो? कितने डब्बे डालते हो देसी घी के? इसमें 4 डब्बा। 4 डब्बे स्टार्टिंग से ही करते डालते हो या फिर रुक रुक के? नहीं नहीं रुक के भी डाल रहा है। सबसे पहले कितने घी के डब्बे? 3 डब्बा। कौन सी कंपनी के? सरस के? सरस या अमूल, कोई भी हो जाए ना। उसके बाद में क्या डालते हो? इसमें जीरो। जीरो। लौंग। लौंग। काली मिर्ची। काली मिर्ची। तेज पत्ता। और उसके अलावा तेज पत्ता। हाँ, फिर प्याज काट के गिरते हो? प्याज काट के गिरते हो को। हाँ, फिर हरी मिर्ची, अदरक पेस्ट, इनका जो पेस्ट बना के डालते हो ना। हाँ। अभी इसमें क्या क्या आइटम डल गए अभी तक? हर चीज डल गई, नमक भी डल गया है, सब काम प्यारी है, ये गोभी। हाँ। गोभी है और मटर। मटर। इसके अलावा लाल मिर्ची। लाल मिर्ची साबुत पिसी हुई। साबुत पिसी हुई वो डाल दो। तो ये इसके अंदर और कुछ भी डलेगा क्या? नहीं, जूस पड़ेगा इसमें। जूस पड़ेगा। जूस किस चीज का डालते हो? माल्टा का। माल्टा। 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 मौसमी है माल्टा। मौसमी या माल्टा का इसके अंदर जूस पड़ता है। उससे क्या होता है? टेस्ट बढ़िया। टेस्ट बढ़िया होता है। वो कब डालोगे? लास्ट में। लास्ट में। लास्ट। और इसके साथ में जो रोटा होता है वो कब बनाओगे? वो थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद में उस ये क्या डाला अभी? ये माल्टा का जूस। माल्टा का। इसको कितनी देर पकाना है? 10 मिनट।
इसके अंदर क्या कुछ स्पेशल होता है? आधा बेसन, बेसन आधा आटो, आधा बेसन आधा आटा है, और दूध मोसनी लागो, घी को मोल लागो, अच्छा राई है वो सूप पड़ेगी, सांतो धनियो, हाँ। अजवान, नागोरी मेथी, लाल मिर्ची, गरम मसालो, अच्छा दूध मोसन के बाद फिट हो एकदम। टोटल कितना आइटम डालते हो? 15, मतलब जो रोटा की जो रेसिपी के अंदर 15 आइटम डालते हैं अलग। बेसन कितना किलो है? बेसन जो 2.5 किलो, 2.5 किलो बेसन। इसमें आटा कितना? 2.5 किलो ही? 3 किलो, 3 किलो आटा। अजवान, जीरा, नागोरी मेथी, सूप, ये हल्दी, ये लाल मिर्च, ये लहसुन, ये लहसुन, ये गरम मसाला, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर। ये कितना डालना है? ये 20 ग्राम तो पड़ी यार, 20 ग्राम के धनिया, ये रे धनिया, ये आ गया आटा, 3 किलो आटा, 3 किलो। फिर ये दूध, दूध, दूध कितना डालना है इसमें? दूध है मैं यो 3 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध। इसमें दूध क्यों डालते हैं? इससे क्या फायदा होता है? मुलायम होता है, पोषण होता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। कितना घी? यो 1/2 किलो घी। अच्छा घी कितना डालना है इसमें? 1/2 किलो, 1/2 किलो घी डालने से क्या होता है? एकदम पोषण रोटी हो जाएगी, खूब बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक चीज बताइए, जैसे ये आपके साग रोटा के अलावा और क्या कुछ काम है? बस हलवाई को है, कैटरिंग को है, सब है अपना। अच्छा, हलवाई का, कैटरिंग का सब है काम। कितनी रोटियां सेक्टर एक साथ में? 40 से आ जाए, 40 है। और मतलब कितनी है, आधी सेक्टर या पूरी पक्के? पूरी आधी, आधी कच्ची। इसके बाद में? कोयला में, बाद में कोयला के अंदर। तो कोयले यहाँ पर भी सीख सकती है, तो कोयले के पीछे क्या रीजन है? नहीं, कोयले में बढ़िया सीखे में कुछ सीखने से। अच्छा, स्वाद भी अच्छा आता है। हो चुका है साग रोटा और इसके साथ में सलाद है, पापड़ है और सब्जी है, तो कैसी लगी? जैसे साग रोटा की जो रेसिपी है, आप संडे को और बुधवार को बनाते हो, तो किसी को मतलब ये चिड़ावा की रेसिपी है, झुंझुनू के अंदर बनती है? झुंझुनू में, और चिड़ावा में बनती है, झुंझुनू में बनती है बस। दो एड्रेस क्या है आपका? इंदू हॉस्पिटल महेश टाकीज के सामने गली में। वहाँ पे जैसे किसी को खाना हो तो क्या कुछ कॉस्ट रहती है इसकी? 500 रुपये, 500 रुपये के अंदर 1 किलो, 20 रोटा जी, अच्छा 20 किलो सलाद, पापड़। अच्छा, ये आइटम दे रहे हो आप ना, तो आपके मोबाइल नंबर बताओ एक बार। 99293-15415। तो इसने दिनों पहले ऑर्डर देना पड़ता है? ये सुबह ऑर्डर करता है तो शाम की तैयार है ये।